विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। लंकेश, आपने कहा कि शनि देव की दृष्टि पिता महादेव पर पड़ने वाली थी और देवर्षि नारद जी के पास इसका समाधान भी था, तो उन्होंने पिताश्री को फिर क्या उपाय सुझाया? लंकेश, कृपया बताइए। शनिदेव कल सूर्योदय होने पे यहाँ पे आने वाले हैं, तो क्यों ना आप एक उपाय करें। शनिदेव अपनी दृष्टि आप पे डालने यहाँ आए, उससे पूर्व ही आप यदि कैलाश छोड़कर कहीं और चले जाएं, तो जब शनिदेव यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे नहीं पाएंगे, तो अपनी दृष्टि आप पे नहीं डाल पाएंगे। और जैसे ही वे पुनः लौट जाए और सूर्यास्त हो जाए, तब आप भी पुनः यहाँ पे आके अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। तब तक ये संकट टल चुका होगा और समस्त संसार को ये ज्ञात हो जाएगा कि शनिदेव अपनी दृष्टि से आपको प्रभावित नहीं कर पाए हैं। तो फिर पिताश्री ने क्या किया? लंकेश, अगले ही दिवस प्रभु शिव शंकर शंभु सूर्य उदय के पूर्व ही कैलाश से दूर एक सघन वन में चले गए। काकसुर आगे उस मार्ग पर काक स्थित है, मुझे दूसरी दिशा से जाना चाहिए। काक तो शनिदेव का सर्वाधिक प्रिय है, उनसे भी दूर रहना उचित होगा। इस निर्जन मंदिर में कोई काग नहीं, मुझे वहीं जाकर स्थित होना चाहिए। यही स्थान उचित होगा, यहां किसी की दृष्टि मुझ तक नहीं पहुंचेगी। कदाचित ये काग शनिदेव को सूचित कर रहे होंगे कि मैं कहां हूं। इस सर्वाधिक उचित स्थान प्रतीत होता है, क्योंकि यहां शनिदेव कभी नहीं आएंगे। यहां मैं निश्चिंत होकर ध्यान कर सकता हूं। कदाचित ये मेरी भूल थी, ये निर्जन मंदिर तो मेरा ही स्थान है, अर्थात मैं यहीं स्थित होऊंगा। इसका अनुमान लगाना अत्यंत सरल है, इसलिए शनिदेव मुझ तक बड़ी सहजता से पहुंच सकते हैं। मुझे किसी अन्य स्थान को ढूंढना होगा, क्योंकि सूर्य उदय होने में कुछ ही समय शेष है। मुझे ये कार्य शीघ्र करना होगा। इस विशाल काय पीपल वृक्ष पर तो शनिदेव के काक नहीं दिखाई दे रहे। मेरा यहां स्थित होना ही उचित होगा। शनिदेव की दृष्टि से दूर रहने के लिए मुझे स्थान प्राप्त हो ही गया। शनिदेव मुझे सर्वत्र ढूंढेंगे, किंतु यहां नहीं। सूर्यास्त होने तक मैं यहीं स्थित होकर ध्यानस्थ रहूंगा और शनिदेव मुझे समस्त ब्रह्मांड में ढूंढते ही रह जाएंगे।
शनिदेव का आगमन तो नहीं हो रहा यहाँ? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, ना शनिदेव है और ना ही उनके काक। तो सूर्यास्त भी हो गया है, अर्थात दिवस का भी अंत हो गया। अब मुझे कैलाश लौटकर ही ध्यान करना चाहिए। प्रणाम महादेव। तो अंततः आप मुझे ढूंढने में सफल हो ही गए शनिदेव, किंतु अब तो दिवस बीत चुका है, मैं आपकी दृष्टि से सुरक्षित हो गया। हे देवाधिदेव महादेव, तनिक विचार करिए प्रभु कि यदि जगत पिता स्वयं अपना संपूर्ण दिवस एक वृक्ष के कोटर में छिपकर व्यतीत करने को विवश हो जाए तो ये मेरी दृष्टि का प्रभाव ही तो है। आज संपूर्ण दिवस आप जहां भी गए प्रभु, मेरी दृष्टि निरंतर आपके पीछे थी। मुझे प्रसन्नता हुई शनिदेव कि आप अपना धर्म और कर्तव्य निष्पक्षता और कुशलता से निभा रहे हैं। प्रभु, आपकी कृपा से मैं अपने कर्तव्य पथ, दायित्व एवं कर्म से ना ही कभी भटका हूं और ना ही भविष्य में भटकूंगा। भले ही मेरे सम्मुख कोई भी क्यों ना आ जाए, यहां मेरा कार्य संपन्न हुआ प्रभु। अब आप इस भक्त को आज्ञा दें। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। हे नारायण के स्वरूप पीपल वृक्ष, आज आपने मुझे अपने कोटर में आश्रय प्रदान किया, किंतु उसके पीछे जो कारण नहीं था वह समय आने पर ही उजागर होगा। मैं आपको वरदान देता हूं, उचित समय पर शनि दृष्टि पर नियंत्रण प्राप्त करने में आपका प्रमुख योगदान होगा। किंतु ये कैसे संभव हो सकता था लंकेश? पिताश्री तो देवों के देव महादेव है, तो उन पर तो शनि देव की दृष्टि का प्रभाव तो होना ही नहीं चाहिए था। आपके इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं बालक प्रभु पिपलाद ने दिया था गौरी पुत्र। आपका ये मिथ्या विश्वास आपकी अज्ञानता अथवा आपके दम का प्रमाण है, क्योंकि उस एक दिवस के लिए महादेव द्वारा कैलाश का परित्याग करने का कारण आप नहीं हैं। इसके पीछे का सत्य क्या था, अर्थात उस दिवस क्या घटित हुआ था, ये आप विस्तार से सुनिए। उस दिवस जब महादेव कैलाश लौटे। स्वामी, आपकी कैसी लीला है, यहाँ से प्रस्थान करना, भयभीत होने का प्रदर्शन करना, पीपल वृक्ष के कोटर में छिपना, ऐसा क्यों किया आपने स्वामी? जिन्हें आपने वरदान देकर देव पद की उपाधि प्रदान की, उन्हीं शनि देव से भयभीत होने का क्या कारण हो सकता है भला?
सर्वथा उचित कहा आपने। शनिदेव को उनके पद पर मैंने ही स्थापित किया था। वो मेरी संतान के समान है और अपनी संतान को प्रोत्साहित करने हेतु एक पिता यदि भयभीत होने का भ्रम भी प्रकट कर दे तो उसमें अनुचित ही क्या है। और यदि मैं अपने वरदान की मर्यादा नहीं रखूंगा, शनिदेव को महत्व देकर एक उचित उदाहरण नहीं स्थापित करूंगा, तो साधारण मनुष्य शनिदेव के द्वारा अपने कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए कैसे सजग रहेंगे? कर्म फलदाता को पूज्य क्यों मानेंगे? आपका हृदय तो सभी के लिए स्नेह और दया से परिपूर्ण है, जिसके लिए आप अपनी संतानों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किंतु आज ये सत्य पुनः प्रमाणित हुआ है। महादेव आपसे भयभीत नहीं थे। उन्होंने उस दिवस जो कुछ भी किया, आपकी मान, आपकी मर्यादा रखने के लिए किया। यही तो है महादेव की महानता। उचित है, महादेव है वो, देवों के देव, महानतम है वो। किंतु मैं भी तो अपने स्थान पर महान हूं। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ सदैव अपने कर्तव्य का निर्वाहन जो करता हूं। मैंने कब अपने धर्म, अपनी मर्यादा को भंग होने दिया है? आपने ऐसा कभी नहीं होने दिया शनिदेव, क्योंकि आप तो एक ऐसे गच के समान हैं जो अपनी उत्तेजना अवस्था में अपना नियंत्रण खोकर किसी अन्य जीव जंतु का ध्यान किए बिना समस्त वन को ही कुचल देता है। बहुत हो गया बालक, अब तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि शीघ्र शीघ्र तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दंड स्वरूप तुम पर अपनी दृष्टि ही डाल दूं। मेरे प्रति आपने जो अन्याय किया है उसका दंड दिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आपके साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से इतने आहत हो गए आप कि उसके परिणाम से आपने स्वयं को कठोर बना लिया कि अन्य किसी की पीड़ाओं का ध्यान ही नहीं रहता आपको। आपको सीमाओं में बांधना अनिवार्य हो गया शनिदेव। यदि आप एक गज के समान व्यवहार करने के हद पर दिखे हैं, तो मैं भी एक गजपाल के समान हूँ जो महाकाय गज को भी बांध कर उसे नियंत्रित करने में सक्षम है। अब तुम्हारे मुख से एक भी शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मेरे ही स्थान पर आकर मुझे अपमानित करने का दुस्साहस किया तुमने। तुम मात्र एक उद्दंड बालक, मुझे नियंत्रित करने चले हो तुम, मुझे नियंत्रित करने चले हो तुम, मुझे नियंत्रित करने चले हो तुम। कैसा अनर्थ होने जा रहा है वहाँ? क्या परिणाम होगा इस परिस्थिति का?
मेरी दृष्टि के प्रभाव से आज तक कोई नहीं बच सका है बालक, और तुम भी नहीं बच पाओगे। अन्य ग्रहों के अधिपति तुम्हें मुझ तक पहुंचने से पूर्व ही रोक लें, इसके अनेकों प्रयास किए मैंने, तुम्हें चेतावनियां देकर, तुम्हें समझाने का, तुम्हें सावधान करने का प्रयास किया मैंने, किंतु तुमने मेरी एक न मानी, ना ही मेरी किसी चेतावनी को समझे और ना ही मेरे सावधान करने पर रुके। अंततः वही हुआ जो मैं कभी नहीं चाहता था। ये बालक क्या कर रहा है? मेरे प्रभाव को अपने नेत्रों में कैसे संचित कर रहा है? मेरी दृष्टि से कोई कैसे सुरक्षित रह सकता है? असंभव है, ये असंभव है। तुम कौन हो बालक पिपलाद? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आहत हुआ हूँ मैं, अपने दाहिने पांव पर अपना भार लेने में असमर्थ हो गया हूँ। मैं इस विशालकाय पीपल वृक्ष के समक्ष क्यों पहुंच गया? मैं कौन हूँ ये ज्ञात करना चाहते थे ना आप? तो लीजिए, स्वयं अपने नेत्रों से देखिए मेरा वास्तविक परिचय। मैं वो बालक हूँ जिसकी माता ने जन्म लेते ही उसका परित्याग कर जगत से प्रस्थान करने में विवश हो गई, क्योंकि उन पर आपकी कुरदृष्टि का प्रभाव था शनिदेव। मैं वो बालक हूँ जो मात्र अपनी माता की ममता से वंचित नहीं रहा, अपितु मेरे पिता को भी अस्थियों का दान करने हेतु अपने प्राण त्यागने पर विवश होना पड़ा, क्योंकि उन पर भी आपकी दृष्टि का प्रभाव था। तो तुम क्या ऋषि दधीचि के पुत्र हो? हाँ शनिदेव, मैं वो ही बालक हूँ जो पीपल वृक्ष के पत्रों से अपना पोषण प्राप्त करने पर विवश हुआ था, क्योंकि मेरे समस्त परिवार पर आपकी कुरदृष्टि का प्रभाव था। आपकी कुदृष्टि से स्वयं महादेव को भी दर्शाना पड़ा। वो आपके भय से पीपल वृक्ष के कोटर में छुपे हैं। उस पीपल वृक्ष को महादेव द्वारा दिए गए वरदान के सार्थक हेतु मैं आज आपको यही आपके अन्याय का दंड दूंगा। मेरी दृष्टि के कारण तुम्हारे माता पिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे दुख अवश्य है, किंतु
किंतु मैंने उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया। उन्हें उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त हुआ। किंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? आपको अपने माता पिता से स्नेह प्राप्त नहीं हुआ तो जो आपको अपने प्रति अन्याय प्रतीत होता है, ये अन्याय क्यों नहीं है कि जन्म लेते ही अनाथ हो गया मैं और एक अनाथ के ही भांति बड़ा हुआ। मेरे साथ जो हुआ उसे आप मेरे माता पिता के कर्मों का फल कैसे दे सकते हैं? किंतु इसमें मेरा दोष क्या है? मैं तो महादेव द्वारा दिए गए दायित्व की पूर्ति कर रहा हूँ। कर्म फल दाता हूँ मैं, तो कर्मों का फल ही प्रदान कर सकता हूँ। बुरे कर्मों के अनुसार उनके फल के रूप में आप बिना कुछ सोच विचारे जिन पर भी अपनी कुर्दृष्टि डालते हैं, वो स्वयं ही पीड़ित नहीं होता है अभी तो उसका संपूर्ण जीवन चिन्ह भिन्न हो जाता है, उसके साथ उसका परिवार नष्ट हो जाता है, उनका भी अस्तित्व मिट जाता है और इस कारण वो अपने अच्छे कर्मों को भी भोगने में असमर्थ हो जाते हैं। क्या आपने कभी सत्य पर ध्यान दिया है शनिदेव? आपके नेत्र खुलते हैं तो मात्र और मात्र दृष्टि डालने के लिए, किसी के अच्छे कर्मों को देखने के लिए क्यों नहीं खुलते आपके नेत्र? आपने मेरे पिता ऋषि दधीची पर उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उन पर अपनी दृष्टि का बोझ तो डाल दिया, किंतु उन पुण्य कर्मों का फल कहाँ दिया जिनके कारण आज ये सृष्टि सुरक्षित है? आपने मेरी माता के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के अनुसार उनके भाग्य को नियत किया और उन पर भी दृष्टि डाल दी, तो एक क्षण के लिए ये नहीं सोचा आपने कि उस महान स्त्री ने अपने स्वामी को जगत कल्याण हेतु अपना प्राण दान देने की अनुमति दे दी? हमारा ब्रह्मांड संकट में है, अर्थात हमारा परिवार संकट में है देवी, और इस महासंकट से हमारे संसार को मेरी अस्थियां ही मुक्त कर सकती हैं। इसीलिए मुझे देवताओं को अपनी अस्थियां दान करने की अनुमति दे दीजिए देवी। महान कर्म किया है उन्होंने, इसका कोई फल कहाँ आपने दिया शनिदेव? तो आप अपने नेत्र को लिए कर्म फलदाता, क्या ये पक्षपात नहीं है, अन्याय नहीं है कि एक नवजात शिशु से उसका सर्वस्व छीन लेना? क्या ये अन्याय नहीं है? बताइए मुझे, खोलिए अपने नेत्र और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए शनिदेव। प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको पहचानने में मैंने बहुत विलंब कर दिया, प्रभु बहुत विलंब कर दिया। प्रभु अपने इस भक्त पर कृपा कर पूर्ण स्वरूप के दर्शन दीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए, कृपा करिए प्रभु, मुझ पर कृपा करिए। प्रणमकं सदा शिवं नमामि हे उमापति जनिने कंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। ओ भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवार ते, सारी संकटों से शिव ही है उबारते, कठोर दंड से शनि के विष्णु त्रस्त जब हुआ तदीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी के जन्म लिया, पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, रूप पिपलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवा। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जनीलकंठ जय अनंत मोस्तुते नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। 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 कठोर दंड से शनि के विष्णु त्रस्त जब हुआ तदीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी के जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है। रूप पीपल आदि तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लीजिए प्रभु, अपना अस्त्र पुनः धारण कीजिए और मैं जिस दंड के योग्य हूँ मुझे वो दंड दीजिए प्रभु, मुझे वो दंड दीजिए। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। चंद्रशेखर 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 पाहि। मुझे दंडित कीजिए प्रभु, मुझे दंडित कीजिए। आप प्रभु मुझे जो भी दंड देंगे सहर्ष स्वीकार होगा। इसका तो यही एकमात्र दंड है शनिदेव, कि आपको अपनी दृष्टि पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मनुष्य के बुरे कर्मों के दंड के साथ आपको उसके अच्छे कर्मों का सुख भोगने का अवसर भी प्रदान करना होगा। और जो मनुष्य वर्तमान जीवन में सत्कर्म की ओर प्रेरित हो उनके पूर्व के पापों को घटने की संभावना भी होनी चाहिए। व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए नहीं अपितु उसकी भूल को सुधारने के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं आज से आपके प्रभाव पर नियंत्रण रखने के लिए 6 प्रमुख अवस्थाएं निर्धारित करता हूं, जिनमें प्रथम अवस्था यह है कि आज से व्यक्ति की शिशु अवस्था में आपकी दृष्टि उसे प्रभावित नहीं कर सकेगी। द्वितीय अवस्था, आपके 7.5 अर्थात आपकी ग्रह दशा का योग मनुष्य के जीवन में 7.5 वर्षों तक ही उसे प्रभावित करेगा। तृतीय अवस्था, 7.5 की ग्रह दशा मनुष्य के जीवन में 30 वर्षों में एक ही बार उसे प्रभावित कर सकेगी। चतुर्थ अवस्था, 7.5 का ये योग क्रमशः 3 चरणों में प्रकट होगा। लोह जो अत्यंत कठिन होगा, ताम्र जिसका प्रभाव मध्यम स्तर का होगा, और स्वर्ण जो सुख में फल देकर जाएगा। पंचम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था ये है, मनुष्य की कुंडली में आपकी महादशा मात्र 18 वर्षों के लिए ही हो सकेगी, और इस महादशा में आप मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे फल प्रदान करेंगे। और षष्ठम अवस्था यह है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित कर यदि अपने कर्मों को सुधारने हेतु पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से कुछ निर्धारित उपाय करेगा तो आप उस पर अपनी दृष्टि के प्रभाव को क्षीण कर लेंगे। और ये 6 प्रमुख उपाय इस प्रकार होंगे। प्रथम, पीपल के वृक्ष को रोपना एवं नियमित रूप से जल देकर उसे सींचना, उसकी देखरेख करना। द्वितीय, संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना और आपके नाम का जाप करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना। तृतीय, दीन दुखियों की सहायता करने हेतु काले वस्त्र एवं खड़ाऊ आदि का दान देना। चतुर्थ,
गो माता की पूजा करना और सभी प्रकार से उनकी सेवा करना, श्वान एवं काक को आहार प्रस्तुत करना। पंचम, समाज में निसहाय आश्रय विहीन मनुष्य की सहायता एवं सेवा करना। और षष्ठम, सत्कर्म करते हुए अपने समस्त कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाना। जो भी उपायों को करेगा उन पर आप अपनी दृष्टि के प्रभाव को अवश्य क्षीण करेंगे। कहिए शनिदेव, आपको स्वीकार है दंड? कभी कभी केवल क्षमा दान दंड से अधिक प्रभावकारी सिद्ध हो जाता है, इसलिए दंडाधिकारी को दंड के साथ क्षमाशील भी बने रहना चाहिए।